अच्छे हैं। आज की हमारी वीडियो है कि कैसे अपनी इंग्लिश हम फ्लुएंट बनाएं, वो भी सिर्फ 21 दिनों में। और ये मैं ऐसे ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। मेरी इंग्लिश फ्लुएंट हुई है ये सब करने से, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। पर पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में घुसी हुई है कि जैसे कि हमारा ग्रामर परफेक्ट होना चाहिए हमारी इंग्लिश फ्लुएंट होने के लिए, और पहले हमें ग्रामर सीखना चाहिए फिर हमारी इंग्लिश फ्लुएंट होगी, या तो हमें इंग्लिश में सोचना चाहिए फिर ही हम इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाएंगे। ये सारी चीज़ें गलत हैं। मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि मैंने क्या किया था, और अगर आप भी वो फॉलो करेंगे सो आई अश्योर यू कि 21 डेज के अंदर आपकी अभी जो भी लेवल है आपकी इंग्लिश का, मतलब डबल, अगर आपका लेवल अभी 50% है तो आप 100% पहुंच जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये कुछ चीज़ें फॉलो करनी है, आपको 21 दिनों तक ये चीज़ें करनी है, और आप वो करोगे तो 100% आपको रिजल्ट दिखेगा। और जब हम वीडियो में आगे बढ़े, प्लीज़ उसके पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये वीडियो ज़रूर उनके संग शेयर कीजिए जो अभी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं और जिन्हें समझ नहीं आ रहा है वो कैसे करें। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, ये 21 दिनों का चैलेंज है क्या। एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत काम का है, अगर आप पूरा चैलेंज फॉलो करेंगे तो ही आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि आप सबको पता है कि बच्चे धीरे 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 बोलना सीखते हैं, पर कभी आपने सोचा है कि बच्चे कोई लैंग्वेज कैसे सीखते हैं। आज 2 साल का बच्चा जब बोलता है, अगर वो क्रिश्चियन के घर पैदा होता है तो वो इंग्लिश बोलता है, अगर वो कोई और किसी और रिलीजन के घर पैदा होता है जहाँ की भाषा हिंदी है तो वो हिंदी बोलता है। तो 2 साल के बच्चे ही हैं दोनों, पर दोनों अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। कैसे? क्योंकि उनके आजू बाजू वो भाषा में बात हो रही है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने आजू बाजू सबको नहीं बोल सकते कि आप भी इंग्लिश बोलो, आप भी इंग्लिश बोलो, पर ये मैं आपको खाली एग्जाम्पल दे रही हूँ कि बच्चे इंग्लिश पहले ग्रामर सीखेंगे फिर इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं करते। अगर वो कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो वो लैंग्वेज धीरे धीरे शुरू करते हैं, जैसे कि वो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं, वो किसी और को ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। जैसे बच्चों को अगर पानी चाहिए होता है, जब वो नया नया बोलना सीखते हैं तो वो बोलते हैं वाटर या पानी, वो ऐसे नहीं बोलते मुझे पानी दो, प्लीज गिव मी वाटर, वो ऐसा नहीं बोलते, राइट? तो हमको भी इंग्लिश ऐसे ऐसे ही बोलनी है, पर बच्चों के पास क्या और कोई ऑप्शन होता है? अगर बच्चों को पेरेंट्स से या किसी और से बात करनी है और उन्होंने नया नया ही बोलना सीखा है, तो क्या उनके पास और कोई भी ऑप्शन है अपनी बात मनवाने का या सुनवाने का, एक्सेप्ट वो कोशिश करके वो लैंग्वेज में बात करें जो लैंग्वेज में उनके पेरेंट्स समझ पाए? नहीं, राइट? सो हमारे को भी अगर इंग्लिश सीखनी है तो यही एक तरीका है। सबसे पहला चीज जो आपको करनी है, इंग्लिश में बात करनी है। मैं समझ सकती हूँ जब इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती तो दूसरों से, स्पेशली अनजान लोगों से बात करने में बहुत एम्बेरसमेंट फील होता है, हिचकिचाहट होती है, ऐसे लगता है कि क्या सोचेगा सामने वाला हमारे बारे में। पर जब तक हम वो लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे तब तक हम नहीं सीख सकते। हमें कोई बहुत अच्छी इंग्लिश या बहुत हाई फाई वर्ड्स यूज करके बात नहीं करनी है, हमें बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स में बात करनी है। आई वॉन्ट टू रेस्ट, आई वॉन्ट टू ईट, आई एम फीलिंग स्लीपी, एकदम छोटे छोटे सेंटेंसेस। और ज़रूरी भी नहीं है कि आप उसको ग्रामेटिकली करेक्ट बोलें। आपको अगर नहीं आ रहे हैं सेंटेंस बोलने, सो आई स्लीप, आई एम गोइंग टू स्लीप, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम गोइंग टू स्लीप आप ये भी बोल सकते हो आई स्लीप। सो सामने वाला तो समझ ही जा रहा है आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो आपको ये 21 दिनों तक ये आपका चैलेंज है कि आप किसी से भी बात करें, चाहे वो कोई भी हो, आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। अगर सामने वाला को आपको ऐसा लगे कि वो ये सोचेगा कि बहुत स्टाइल मार रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है, तो आपको उसको बता देना है कि देखो भैया मेरा 21 डेज का चैलेंज है, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ और मेरे कोर्स में मुझे 21 दिनों तक इंग्लिश में बात करनी है, दैट इज द रीजन आई एम टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश। तो आपको उसको ऐसे बोलना है। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको कोई वर्ड का मतलब नहीं पता होगा या इस वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये नहीं पता होगा, तो आप सामने वाले से पूछ लो अगर उसको इंग्लिश आती है तो कि वॉट इज दिस वर्ड कॉल्ड और वॉट इज दिस थिंग कॉल्ड इन इंग्लिश, या फिर आजकल तो गूगल का जमाना है, आप गूगल में टाइप कर लो कि व्हाट इज दिस इन इंग्लिश, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। पर देखो मेरे को मालूम है ये बहुत मुश्किल है, 21 दिनों तक कोई और भाषा में बात करे बगैर आपको इंग्लिश में बात करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पहले कभी नहीं की। पर कोई भी नई भाषा सीखना इतना ही मुश्किल होता है, बच्चों के लिए भी इतना ही मुश्किल होता है, तो जब बच्चे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और अगर हमें कुछ करना है, अगर सच में इंग्लिश सीखनी है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये 21 दिन का चैलेंज तो आपको लेना ही पड़ेगा, और ये पहली चीज़ है जो आपको करनी है। अब दूसरी चीज़,
आपको हमेशा कोई नई चीज सीखनी होती है तो जिसको वो चीज आती होती है उसको देख के सीख सकते हो। जैसे बच्चे करते हैं, वो अपने पेरेंट्स को, आजू बाजू के लोगों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखना, सिर्फ देखना या सुनना ही नहीं, ध्यान से देखना और सुनना। तो उसके लिए आपको 21 दिनों तक कोई भी और भाषा में, आपको कोई भी वीडियो, न्यूज, टेलीविजन कुछ भी नहीं देखना है, इंग्लिश में ही देखना है। आपको कोई मूवीज देखनी है, आप इंग्लिश मूवी देखो। आपको न्यूज सुननी है, आप इंग्लिश न्यूज सुनो। आपको गाने सुनने हैं, आप इंग्लिश गाने सुनो। मुझे मालूम है स्टार्टिंग में बिल्कुल मजा नहीं आएगी, स्पेशली इंग्लिश गानों में, क्योंकि वो हमने कभी सुने नहीं होते, हमारे कान उससे यूज टू नहीं होते, पर धीरे धीरे आएगी। पर कुछ भी हो जाए आपको नहीं छोड़ना है, आपको 21 दिनों तक ये करना ही है। आपको आपको सिर्फ कोई और भाषा सुने बिगड़, मैं जानती हूँ आजू बाजू के लोगों को नहीं बोल सकते कि आप मेरे लिए इंग्लिश में बात करो, पर आप सोचो आप दिन का एटलीस्ट 3 घंटा, क्योंकि अभी तो वैसे भी काम कम चल रहा है, तो दिन का एटलीस्ट 3 घंटा तो आप कोई भी ऐसे मीडियम में स्पेंड करते ही हो, जैसे कि न्यूज देखने में, टीवी में कोई मूवी देखने में, वीडियोस देखने में, आप उतना तो लगाते ही होंगे दिन के 3 घंटे, 2 से 3 घंटे, तो उतनी ही देर आप इंग्लिश देख लो, और कुछ नहीं तो उतनी ही देर देख लो। और एक और तरीका है इंग्लिश में बात करके अपनी फ्लुएंसी बढ़ाने का, ये कि मैं पहले बहुत ऐसा करती थी कि कॉल सेंटर्स में, मतलब जैसे कि कोई भी कस्टमर केयर में कॉल करो, जैसे आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, आप क्रेडिट कार्ड खरीदने नहीं बोल रहे, जनरल नॉलेज के लिए आप उनको फोन करो, बस बोलो कि ये आपका क्रेडिट कार्ड मैंने देखा ऑनलाइन, इसके क्या क्या फीचर्स हैं ये वो। सो आप उनके साथ इंग्लिश में ही बात करो। अब वो एक ऐसे होंगे व्यक्ति सामने जो पहले आपको जज नहीं करेंगे कि आपकी इंग्लिश कैसी है, और दूसरा आपको जवाब भी इंग्लिश में ही देंगे, और उनकी इंग्लिश एकदम परफेक्ट होती है, तो उसको सुन के आप समझ भी सकते हो कि अच्छा ठीक है, मैंने इसके बदले शायद ये बोलना था, इसके बदले ये बोलना था, तो उससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। जितना हो सके कस्टमर केयर में आप लिख के नहीं, फोन करके बात करो, और हमेशा इंग्लिश वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करो, नेवर सिलेक्ट एनी अदर लैंग्वेज, क्योंकि वो तो आपको जानते भी नहीं है, आप कौन हो, आपकी इंग्लिश कैसी भी हो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको जरूर पड़ेगा, आपकी जरूर नॉलेज बढ़ेगी। तो आप पक्का जब भी आप कॉल करें कस्टमर केयर में, हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज ही सिलेक्ट करें। तीसरी चीज आपको ये करनी है कि दिन के अंत में बस 5 मिनट निकाल के आपके दिन में जो भी हुआ सिर्फ 3-4 लाइनों में लिखना है। बहुत कुछ बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ये कि आई गॉट अप एट दिस टाइम, मैंने आज ये देखा, मैंने आज ये नया सीखा, मैंने आज ये किया, जस्ट 3-4 लाइन में आपको लिखना है। हो सकता है आपको वर्ड्स ना मिले, हो सकता है आपको सेंटेंस ना मिले कि मैं कैसे लिखूं, तो भैया गूगल कब काम आएगा, गूगल में आप लिखो कि ट्रांसलेट करो लाइन को, लिखो कि ये लाइन आप नहीं लिखो कि लेट्स से टुडे आई वॉच्ड दिस मूवी, तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे आज मैंने ये मूवी देखी उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो वो आ जाएगा गूगल पे लिख के, आप अपना लिखा हुआ काम भी चेक कर सकते हो। तो ये करने से, ये आपको 21 दिन तक कंटिन्यूसली करना है। मैं जानती हूँ मुश्किल है, पर कभी मैंने नहीं कहा था कि ये ईजी होगा, अगर ईजी होता ना तो सब कर लेते, आज सबकी इंग्लिश एकदम फ्लुएंट होती। इंग्लिश फ्लुएंट बनाने के लिए आपको 21 दिन तो ये मेहनत करनी ही होगी। दूसरी लैंग्वेज के जितने हो सके दरवाजे बंद करो, जहाँ से हो सके वहाँ से इंग्लिश सुनो, और सभी से इंग्लिश में बात करो। नहीं आए तो गूगल का यूज़ करो, उसमें लिखो कि इस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और वो वर्ड यूज़ करके बात करो। और मैं चाहती हूँ आप सभी के सभी जो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, कमेंट करो कि आई हैव एक्सेप्टेड दिस चैलेंज, और बताओ सबको कि आप इसे कर रहे हो। आपके कमेंट्स देख के शायद और लोग प्रोत्साहित हों ये करने के लिए, और ये मैसेज को आप शेयर करो सब में, और मुझे बताओ 21 दिन बाद मुझे वापस बताओ कि कैसा रहा, कि मेरी इंग्लिश भी मैंने ऐसे ही डेवलप की थी। मैंने कंटिन्यूसली कुछ महीनों तक कोई भी हिंदी कंटेंट कुछ भी नहीं देखा था, मैंने सिर्फ इंग्लिश गाने सुने थे, इंग्लिश में ही बात की थी, इंग्लिश मूवीज देखी थी, सब कुछ इंग्लिश में ही किया था। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी इंग्लिश का लेवल जो भी है बहुत ऊँचा जाएगा इससे। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरी वीडियो को, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी बहुत सी वीडियो लेकर आऊँगी जिससे आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, आई सी यू नेक्स्ट टाइम।